टोंक के देवली में गहराए पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां पर एसडीएम भारत भूषण गोयल से मिलकर समस्या के निराकरण की मांग की है इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि देवली में कई जगहों पर दूषित पेयजल आपूर्ति की जा रही है वहीं कई हिस्सों में पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं होने से लोगों को गर्मी के बीच पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है इसके अलावा छतरी चौराहे पर हो रहे निर्माण कार्यो के संबंध में भी एसडीएम से शिकायत की गई इस दौरान कांग्रेस के दिनेश जैन और चांद निर्मल जैन भी मौजूद रहे